100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे। इस चराचर जगत में विचरते हुए कर्म करते हुए जो जीगा यहां जिंदगी में हमेशा रहेगा सुखी। दुष्ट कर्मों से नाता जुड़ेगा नहीं, इनके फल से भी होगा कभी ना दुखी। इस तरह पाप से पाप के ताप से छूट जाओगे सजते संवरते हुए। आप 100 साल जीने की इच्छा करो पर सदा नेक शुभ करते हुए कारण ही ना बन सके उलझनों वास्ता कर्म निष्काम करते रहो उम्र भर। इसके अतिरिक्त नहीं है कोई रास्ता। कर्म आराधना कर्म ही साधना हो वीरण क्षेत्र में भी उतरते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे। इस चराचर जगत में विचरते हुए उम्र 100 साल से भी बड़ी हो अगर आलसी बन के जीवन बिताना नहीं कुछ ना कुछ कर्म उत्तम करो हर घड़ी। फिर ये अवसर कभी हाथ आना नहीं। उच्च हूँ आपकी भावनाएं सदा यूं विचारों को रखना उभरते हुए पाप में लिप्त होने से बच जाओगे। इस चराचर जगत में विचरते हुए तेरा जीवन विधाता का वरदान है। बहुत मुश्किल से दुनिया में मिलता है ये अनगिनत योनियों
सौ साल जीने की इच्छा करो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। सौ बरस की उम्र से अधिक हम जिए यह इरादा अगर मन में कर पाए हम, उस प्रभु की कृपा से कुशलता रहे, कर्म करते हुए ही चले जाए हम। ना विसार पथिक कर्म के मर्म को, धर्म के रास्ते से गुजरते हुए, पाप में लिप्त होने से बच जाओगे, इस चराचर जगत में विचरते हुए। आप सौ साल जीने की इच्छा करो पर सदा नेक शुभ कर्म करते हुए। ये कौन से मंत्र का अर्थ था? जो बताएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। बताइए कौन सा मंत्र था? ये भजन का जो पूरा ट्रांसलेशन था वो एक वेद का मंत्र था जो हमने यहाँ बस 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 हो गया जो हमने यहाँ किया हुआ है। किसी को याद है? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यजुर्वेद का मंत्र है, हमने किया हुआ है। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे चतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोस्पति न कर्म लिप्यते नरे। पूरा का पूरा पथिक जी ने बहुत सारे मंत्रों का ट्रांसलेशन भजन में, इतना अच्छी रचना, पूरा का पूरा मंत्र सीधा अर्थ उसका बता दिया। आज हम वही जो हमारा विषय है वो हम मंत्र करेंगे। ओम इमं माहिंसिर्द्विपादं पशुं मयूं पशुं मेधमग्ने जुषस्व। यजुर्वेद का 13वां अध्याय और 47वां मंत्र। और हमारा जो विषय चल रहा है, अगली कक्षा में जो हमारा विषय क्या था, वेद में शाकाहार का विधान और मांसाहार का निषेध, वो ही विषय चल रहा है। और यह विषय पहले हमने बहुत मंत्र किए ऋग्वेद के, अथर्वेद के, अभी ये यजुर्वेद का जो 13वां अध्याय है 47वां मंत्र मैंने लिया है। उसके पीछे और 5 मंत्र हैं, 6 मंत्रों का सूक्त, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 मंत्रों को एक ही विषय में परमपिता परमेश्वर ने समझाया, ताकि हम एक विषय हमें अच्छी तरह से उस विस्तार पूर्वक समझाते समझाते गए, ताकि मानव समझ जाए, फिर कोई गलती अपराध ना करे। तो हम आज जो मंत्र लिया अभी उसका पहले शाब्दिक अर्थ करते। माँ इमम माँ हिंसिर द्विपदाम पशु, इमम इसको, इमम माँ हिंसिर मत मारो, इमम हिंस माँ हिंसिर द्विपदाम पशु, द्विपदाम अर्थात मनुष्यादि और पशु। अब यह मंत्र परमपिता परमेश्वर राजा को उपदेश दे रहा है, राजा को बता रहा है, हे राजन तुम निरपराध मनुष्यों को, निर्बल मनुष्यों को मत मारना, उनका पोषण करना, शोषण नहीं करना, तुम प्रजा के पोषक बनना, शोषक नहीं बनना, निर्बल मनुष्यों को भी नहीं मारना और पशुओं को मत मारना। पशुओं को क्यों नहीं मारना? क्योंकि ये पशु सारे जगत के उपकारक हैं। मानव जगत और पशु जगत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानव क्या करता है?
पशु की पालन पोषण करता है और उसकी रक्षा करता है, और पशु उसको उसके लिए उपकारक बनता है। तो दोनों एक दूसरे को सहायता करके इस तरह से सृष्टि का सुचारू रूप से सृष्टि चलती है। सृष्टि को चलाने के लिए दोनों का, दोनों की आवश्यकता है, दोनों का महत्व है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की रक्षा करना है। अब दूसरी पंक्ति में क्या बताया, मयूम पशुम मेधम अग्ने जुषस्व। मयूम पशुम, मयूम अर्थात जंगली, जंगल में, वन में जो प्राणी रहते हैं ना, जंगल में जो पशु रहते हैं, राजा को कहा उनको भी मत मारना। अब देखिए हम क्या देखते हैं, क्या देखते आ रहे हैं, राजा क्या करते हैं, वनों में जाके शिकार करते हैं ना पशुओं का, तो ईश्वर ने तो मना कर दिया था पशुओं को मत मारना, उन पशुओं को भी नहीं मारना, मनोरंजन के लिए, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन के लिए उनको मत मारना, वो सब भी जगत के लिए उपकारक हैं, सारे पशु जगत के लिए उपकारक हैं, उसको मत मारना। फिर आगे क्या बताया, मयूम पशु मेधम अग्नि जुषस्व। मेधम अग्नि, मेधम, मेधम अर्थात पवित्र कारक फलप्रद, और जुषस्व अर्थात सेवा कर। तो क्या बताया कि जो पशु है, कौन सा पशु पवित्र कारक और फलप्रद है, गाय के लिए बता रहे हैं। तो गाय को क्या बताया ईश्वर ने कि वो पवित्र कारक है और फलप्रद है, इसीलिए उसको मारना मत, उसकी सेवा करना। तो पवित्र कारक इसीलिए बताया क्योंकि जो गाय का दूध और घी होता है वो उसमें अत्यंत पौष्टिक तत्व, अति उत्तम भारी मात्रा में उसमें पौष्टिक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को बल प्रदान करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा, तेज और पराक्रम देते हैं, हमें निरोगी बनाते हैं, जिससे हमारी आयु बढ़ती है। अब इसका प्रमाण हमारे ऋषि मुनि दे रहे हैं। देखिए हमारे ऋषि मुनि 300-300 वर्ष की दीर्घायु को प्राप्त करते थे, उसका मुख्य कारण था कि वो शुद्ध गाय का, शुद्ध घी और दूध का पर्याप्त मात्रा में सेवन करते थे। उनका मुख्य आहार ही गाय का दूध, घी, दही, छाछ आदि आदि और फल आदि वही होता था, इसलिए उनको लंबी आयुष भी प्राप्त होती थी और वो निरोग स्वस्थ भी रहते थे, और उस समय में पशुओं का जो पालन पोषण वो भी अच्छी प्रकार से होता था, भली प्रकार से उनको उत्तम उत्तम खाद्य पदार्थ दिए जाते थे, और हरी घास चराना आदि उनके लिए जो उपयुक्त है वो अच्छा, उनका अच्छा पालन होता था, इसीलिए वो दूध भी शुद्ध और प्योर देते थे, शक्तिवर्धन देते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे वहां हमें क्या मिल रहा है, वो नकली दूध पैकेट में, प्लास्टिक की बैग में दूध हमें मिलता है, जो केमिकल से युक्त होता है, उसमें कोई पौष्टिकता नहीं, ऊपर से हानि है पर शक्ति तो कुछ नहीं, उसमें रोग उत्पन्न होते हैं, हम चारों ओर से रोगों से घिरे हुए, अशक्त अपौष्टिक आहार मिलेगा तो रोगों से ग्रस्त हो जाता है, आयुष भी कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या बता दिया कि गऊ को पवित्र कारक और फलप्रद बताया, और राजा को भी आदेश दे दिया कि इनका तुम पोषण करना, और सारे प्रजा को, मनुष्यों को इनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो इनको लाभ देना। तो एक तो उसका घी और दूध ये कारण है, इसीलिए पवित्र कारक है। दूसरा पवित्र कारक गाय एक ऐसा प्राणी है जिसका मूत्र और गोबर भी पवित्र कारक है, वो भी फलप्रद है, वो भी मनुष्य के लिए लाभकारी है। ये जो गाय का मूत्र होता है, हमारे वैद्य जन बहुत सारे रोगों के उपचार के लिए उनको औषधि में उनका प्रयोग करते हैं, और जो गाय का गोबर है वो हमारी खेती के लिए सर्व उत्तम खाद्य है। जब गाय के गोबर से खेती में जो खाद्य डालते हैं तो जब उसकी जो पैदावार होती है, अनाज, शाक भाजी, फल फूल आदि औषधि जो भी उत्पन्न होता है, उसमें सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, वो सारा आहार पुष्टि
से युक्त, ऊर्जा से युक्त होता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा गोबर का क्या उपयोग है कि आपको पता होगा पहले घरों में फर्श पे और दीवारों पे भी उस गोबर का लिपा जाता था। क्यों? ताकि कीटाणु, मच्छर, मक्खी आदि कोई भी घर में प्रवेश न होने पाए, मनुष्य, बालक, बच्चे आदि सब सुरक्षित रोगों से बचे। तो इतने सारे गाय जो पशु है उनके इतने सारे लाभ बता दिए गए। और इसी बात को श्री कृष्ण महाराज, योगी राज कृष्ण जी ने हमें इस और हमारा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने स्वयं गौ को पाला, गौपालक, उनको गोपाल उनका नाम है ना, गौपालक, वो स्वयं गौ को पालन किया। उन्होंने गौ को पालन, उनका गौओं को पालते थे और स्वयं गौओं को चराने भी ले जाते थे। वन में हरी हरी, बहुत अधिक हरी हरी घास और दूसरी भी अनेक प्रकार की औषधियां आदि जो होती है वो गायें वहां खाके और पुष्ट, फिर दूध भी उनका पौष्टिक होगा ना, वो जैसा अन्न खाएंगी वैसा उनकी पुष्टि मिलेगी। और आज हम देखते हैं जो लोग भी गाय को भी, और दूसरा कृष्ण की बात, तो जो गोवर्धन पूजा है उस लीला में, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का लीला का जो प्रसंग है उसमें श्री कृष्ण ने क्या समझाया मानव को कि तुम है ना इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र के अनेक अर्थ होते हैं, एक इंद्र का अर्थ है राजा, ऐश्वर्यवान जो राजा होता है ना उसको भी इंद्र कहा जाता है। तो उस समय कृष्ण के समय में कौन राजा थे, दुष्ट राजा था ना, दुराचारी कंस थे और भी जितने बहुत सारे दुराचारी दुष्ट राजा थे। तो श्री कृष्ण ने क्या कहा सारी प्रजा को कि इनकी पूजा न करना और गौ संवर्धन यज्ञ करो, उसके स्थान पे ऐसे दुराचारी राजा की पूजा न करके उसके स्थान पे गौ संवर्धन यज्ञ करो। तो उससे क्या होगा, गायों की समृद्धि होगी। और वास्तव में तब उन लोग सारे लोगों ने वैसा किया और उनका शुभ लाभ लिया। अब लोगों ने, आप आज देखिए, लोगों ने वो कृष्ण की बात को कितना उल्टा और गलत अर्थ ले लिया। उन्होंने क्या कहा था कि गौओं की समृद्धि के लिए आप गौ संवर्धन यज्ञ करो। अब यज्ञ का अर्थ उन लोगों ने क्या कर दिया कि गोपाष्टमी का एक दिन तय किया और उस दिन गाय को तिलक लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, आरती करते हैं। बताओ उस बिचारी गाय को इन चीजों से ना कोई लेना ना कोई देना, इससे उसको क्या लाभ है। पूजा का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वो दे देना, उसका सत्कार, वो है पूजा। अब गाय की पूजा का अर्थ ये थोड़े ही था कि उसकी माला, आरती, तिलक, ये क्या हमने किया, कितनी मूर्ख बातें। गाय का पालन पोषण करना, उसकी रक्षा करना, उसको अच्छा भोजन आदि उत्तम पदार्थ खिलाना, जो कपास के बीज आदि आदि जो उसको वो करना, और हमने ऐसे उल्टे कार्य। आज जितने लोग भी गौ को पालते हैं क्या करते हैं, गौओं को सड़क पे खुला छोड़ देते हैं और वो गौएं बिचारी सड़क पे जो कूड़ा, करकट, कचरा, लोग सड़ा हुआ भोजन, बासी भोजन, बिगड़ा भोजन प्लास्टिक की थैलियों में सड़क पे डाल देते हैं। और पशु बिचारा बेसमझ, वो प्लास्टिक की थैलियों के सहित वो सड़ा दुर्गंध युक्त भोजन खाके, अब बताओ वो कौन सा हमें पुष्टिकारक दूध देगा, क्या देगा हमें। आपको पता है ना, माताएं जब माता दूध बच्चे को दूध पिलाती है तब पूरे परिवार और माता स्वयं भी क्या बोलती है, हाँ मैं पौष्टिक आहार, इसको पौष्टिक आहार देना अच्छा, क्योंकि फिर उसका दूध भी पौष्टिक होगा और बच्चे का पुष्टिकरण होगा। तो वही सेम बात तो यहाँ गाय पे भी लागू होती है ना, गाय को हम कूड़ा करकट ऐसा सब कचरा बासी प्लास्टिक खिलाएंगे और वो हमें, हम उसके बदले में हमें वो कौन सा दूध देगी, वो वैसा ही दूध आएगा और वैसे भी वो दूध भी हमें प्योर नहीं नसीब होता, हमें वो दूध मिलता ही नहीं। क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है, हमारे भारत वर्ष में जहाँ दूध और घी की नदियां बहती थी, आज उसी भारत में क्या हो रहा है, बालक तरसते हैं घी को, दूध को, सब तरसते हैं, कहाँ है घी, कहाँ है दूध।
कुछ भी पौष्टिक, और जो खाद्य अब गाय ही नहीं बची, उसका पोषण पालन ही नहीं रहा, उसकी रक्षा नहीं हो रही, तो गोबर भी नहीं मिल रहा खाद्य के लिए, तो फिर हम पता है क्या करते हैं, वो अंग्रेजों की देन, हम क्या करते हैं, जो केमिकल युक्त महंगा खाद्य लेके, केमिकलों से युक्त खाद्य बाजारों से लेके मार्केट से वो खेती में डालते हैं, और जो उनमें क्या होता है, इतना अधिक केमिकल मात्रा, केमिकल अर्थात सिंपल भाषा में बोले तो जहर, पॉइजन के तत्व उसमें होते हैं, और वो खाद्य डालने से उसमें से जो भी पैदावार बनती है वो सारी की सारी पैदावार, अनाज, शाक, भाजी, फल, फूल, औषधियां, जितनी भी वनस्पति उसमें से उत्पन्न होती है, वो सारी की सारे अनाज वनस्पति पौष्टिक तत्वों से रहित होती है और केमिकल से युक्त होती है, वो जिसको कहते हैं ना स्लो पॉइजन, स्लो पॉइजन, वो धीमे धीमे हमारे शरीर को गलता है, हमें रोगों से ग्रस्त करता है, हमें निर्बल बनाता है, अशक्त बनाता है, हमारी आयुष को कम कर दिया है। तो इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गौओं का पालन पोषण करना पड़ेगा, जिससे हमें इन वापस इन सारी चीजों का हमें लाभ मिले। तो ये 47वां हमने मंत्र किया, आगे अभी समय कम है तो हम सारे मंत्रों का शब्दों का अर्थ नहीं करेंगे और उनका संक्षिप्त में अर्थ समझते जाएंगे। तो 48वें मंत्र में क्या बता दिया, मनुष्यों को उचित है कि एक खुर वाले घोड़े आदि पशुओं और उपकारक वन के पशुओं को भी न मारे, इनको मारने से जगत की हानि होगी और न मारने से सबका उपकार होता है, इसलिए उनका सदैव पालन पोषण करना है, किसी भी पशु को नहीं मारना। फिर आगे 49वां मंत्र है, उसमें क्या बताते हैं, हे राजपुरुषो, तुम लोगों को चाहिए कि जिन बैल आदि पशुओं से खेती आदि काम होता है, जिन गौ आदि से दूध घी आदि उत्तम पदार्थ होते हैं, जिनके दूध घी से प्रजा की रक्षा होती है, ये सारे पशु कुएं के समान रक्षा करने वाले हैं, उनको कभी मत मारो, और जो जन इन उपकारक पशुओं को मारे उनको राजा आदि न्यायाधीश अत्यंत दंड देवे। अब पशुओं की तुलना किससे बता दी, कुएं से कर दी, जैसे मनुष्य जीवन के लिए कुआं क्या है, जीवन का आधार है, कुआं, कुआं अर्थात क्या है, कुएं में क्या होता है, जल होता है, पहले तो जल प्राप्ति के अधिक साधन कुएं हुआ करते थे, तो जैसे जल मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है, जल के बिना जीवन नहीं, वैसे ही ये पशुओं के बिना भी मनुष्य का जीवन नहीं है, वो सारे के सारे पशु जो हैं, गौ वंश आदि जितने भी पशु हैं, वो मानव जीवन के आधार हैं। हमने इस बात को समझा ही नहीं, कितनी अच्छी तरह से, कितना स्पष्ट शब्दों में कुएं से तुलना, जल से तुलना करके समझाया, ताकि हमारे दिमाग में यह बात फिट हो जाए, हम समझ जाएं, गलत भ्रांतियों से बाहर निकले, अपने स्वार्थों से, अपनी गलत परंपराओं से बाहर निकल के इन बातों को सोचें, समझें और इनको आचरण में उतारें। और राजा को बार बार आदेश क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे मानव जाति का, पूरे राष्ट्र देश का मुखिया कौन होता है, राजा होता है, तो अधिकार पावर उसके हाथ में है, तो इसीलिए राजा को बोल दिया कि तू स्वयं भी मत मार और दूसरे मनुष्यों को भी मत मारने दे, दूसरे सारे मनुष्यों से भी इनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, कोई मनुष्य अगर इनको मारता है तो तू उसको दंडित कर। अगली कक्षा में हमने किया था ना एक मंत्र में अथर्वेद के, राजा को क्या बताया जा रहा था, कोई मनुष्य पशु को मारे तो उसका सिर काटने में देर मत कर, तुरंत उसका सिर काट डाल, ये राजा को आदेश ईश्वर दे रहा है चारों वेदों में।
अथर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद के ये मंत्र जो हम कर रहे हैं सारे मंत्रों में, ताकि कोई मनुष्य अगर एक ही वेद का पाठ करता है तो उसको भी ये सारी बातें अवगत हो जाए, वो ये सारे ज्ञान से जुड़कर और अपना भला और पशु जगत का हानि न पहुंचाए। इसीलिए चारों वेदों में उसके मंत्र अलग अलग तरह से बता दिए और अलग अलग तरह से समझा दिया। फिर 50वें मंत्र में क्या बताते हैं, हे राजन, जिन भेड़ आदि के रोम, रोम अर्थात ये जो बाल होते हैं ना, जिन भेड़ आदि के रोम और त्वचा मनुष्यों के सुख के लिए होती है, और जो ऊंट भार उठाते हैं मनुष्यों को सुख देते हैं, उनको जो दुष्ट जन मारना चाहे उनको संसार के लिए दुखदायी समझो, और उनको अच्छी प्रकार कड़ा दंड देना चाहिए, उनको कड़ा दंड दो, ताकि आगे से कोई भी मनुष्य ऐसा दुष्ट कार्य करने का साहस न कर सके। ये राजा को, पहले राजा थे, अब वही राजा वही है, पहले राजा नाम था, अब मंत्री है, सांसद है, विधायक है, ये जो भी राजकारण से जुड़े हैं, ये सारी की सारे उपदेश उनके लिए भी हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर रहता है। फिर 50वें मंत्र में क्या बताते हैं, 51 मंत्र में, मनुष्य को उचित है कि बकरे और मोर आदि श्रेष्ठ पशुओं पक्षियों को न मारे, इनकी रक्षा करके उपकार के लिए संयुक्त करें, और जो कोई मारे उनको शीघ्र दंड देवे। देखो, एक एक मंत्र में अलग अलग प्राणियों का स्पष्टीकरण किया, ताकि लोगों को यह भ्रांति न हो जाए कि हाँ खाली गऊ को नहीं खाना, बाकी के प्राणियों को तो खाना मार के। तो इसीलिए देखो सारे की, ऊंट की बता दिया, घोड़े का बता दिया, बकरे का बता दिया, मोर आदि मुर्गी सब का उल्लेख किया है, ताकि चतुर मानव फिर ये न बोल सके कि भाई ये तो खाली गौ के लिए मना किया है, इसीलिए हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हमारी माता है, हाँ उसका नहीं खाएंगे, बाकी सारे पशुओं को काट के खा जाएंगे। तो इसीलिए स्पष्टीकरण, एक एक मंत्र में, इसीलिए छह छह मंत्र बताए, एक एक में अलग अलग सारे पशुओं का भी, पक्षियों सबका उल्लेख किया। एक मंत्र अगली बार अथर्वेद में अंडा का भी नाम आया था, अंडे का भी उल्लेख किया था, ताकि ये चतुर मानव चतुराई करेगा बोलेगा, इसके लिए मना नहीं किया था। इसीलिए ईश्वर जानता है मानव कितना कितना क्या क्या कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, वो ईश्वर को पता है। इसीलिए उन्होंने पहले से ही हमें चेतावनी दे दी इन मंत्रों के माध्यम से, कितना अच्छे से समझाया। फिर 52वां मंत्र, ये अंतिम मंत्र है, ये जो सुक्त था 6 मंत्रों का, ये अंतिम मंत्र 52 मंत्र में क्या बता दिया, जो मनुष्य मनुष्य आदि मनुष्यों के प्राणियों के रक्षक पशुओं को बढ़ाते हैं और कृपा में उपदेशों को सुनते और सुनाते हैं, वे आंतरिय सुख को प्राप्त होते हैं। वो क्या होते हैं, आंतरिय सुख, अंदर का सुख। पता है क्या होता है, अंदर का सुख होता है परम शांति, परम आनंद। तो क्या बता दिया इसमें कि प्रत्येक मानव को ये सारे जितने भी उपदेश सुने, स्वयं को भी सुनना, अच्छे से उसका चिंतन मनन करना और फिर दूसरों को सुनाना, तो उसको उसका लाभ मिलेगा और सारे पशुओं की रक्षा हो जाएगी। इस तरह से हमें 6-6 मंत्रों के माध्यम से जो हमारे शारीरिक, इन मंत्रों में हमें क्या बता दिया, शारीरिक हानि, हमें मांस आहार करने से हमारे शरीर को क्या क्या हानि हो सकती है, वो हमने आज अच्छी तरह अगली कक्षा में और आज किया। अब दूसरे मंत्र में हमारे आध्यात्मिक हानि, मनुष्य को मांस आहार करने से आध्यात्मिक हानि कैसी होती है, वो आगे के मंत्र में, अब अगला आगे का जो एक सत्र में हम उसको पूर्ण करके इस विषय को हम समाप्त करेंगे। उसमें भी क्योंकि हम सब अध्यात्म से जुड़े हैं,
हम मात्र शरीर नहीं है, इसीलिए उस मंत्र को भी करना अति आवश्यक है। बस उस उसको करके और इस मंत्र ये जो विषय है, फिर वो हमारा विषय अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा और हम अच्छी तरह से उसका स्वयं भी लाभ लेंगे और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएंगे। अब हमारा समय हो चुका, हम शांति पाठ करें। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शांति रे दी ओ शांति शांति शांति। आध्यात्मिक लाभ तो सुनेंगे अगली बार, और ये जो मांसाहार से जो भी हानि होती है तो कारण तो हमने समझा, अब उसका निवारण, उसका उपाय क्या, निवारण क्या, उसका अगले सत्र में हम उसका निवारण भी समझेंगे। आध्यात्मिक लाभ और निवारण, इन सब का निवारण क्या है, वो निवारण उपाय, निवारण अर्थात इन समस्याओं का उपाय क्या, तो वो उपाय भी हम अगले सत्र में अच्छे तरह से समझ के इस विषय को संपन्न करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।